आज जो चीटा माफिया है वो पिछले जो मैं कहूँगा पिछले 5 वर्षों में जोगिंदर नगर बहुत शर्मसार हुआ है। मैं अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के दौरे में धर्मशाला में था तो वहाँ पे मुझे कहा गया कि जीवन ये आपके जोगिंदरनगर में क्या हो रहा है, क्योंकि ये 2-3 केस अभी जोगिंदरनगर में पकड़े गए, तो ये चिट्टा का ये जो हब जो है जोगिंदरनगर क्यों बन रहा है। यहाँ जो मैंने बारीकी से पता किया, मुझे मालूम हुआ कि पहले ये मुफ्त में दिया जाता है हमारे बच्चों को, कि ये नादान बच्चे हैं, इनको कोई पता नहीं है कि नशा क्या चीज़ होती है। पहले इनको मुफ्त दिया जाता है, उसके बाद उधार दिया जाता है, और उसके बाद ये खुद ही मांगते हैं और घर में पैसे चोरेंगे या फिर माँ बाप के गहने बेचेंगे और इस चीटे का शिकार ये हो रहे हैं। इसके लिए जो यहाँ के स्थानीय वार्ड मेंबर हैं, उप प्रधान हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मेरा इनसे भी सबसे ये विशेष अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी हर गांव के आसपास जो है इन्होंने ठिकाने बनाए हैं, इन ठिकानों में जाकर के ये छोड़ जाते हैं। इससे हम कैसे बचें, इसके लिए जागरूक होने का ये वक्त आ गया है, नहीं तो पंजाब जैसे हालात हमारे होने वाले हैं। तो ये आप लोगों को मैंने एक छोटी कमेटी भी गठित की है, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं दिन रात, मेरा टेलीफोन नंबर खुला है। हाँ, आज क्योंकि अब 1 लाख के लगभग हमारे वोटर्स हैं, कभी कई बार फोन नहीं उठा पाता, लेकिन आप बार बार करें और इस तरह के जो माफिया हैं उनको पकड़ने में आप लोग सहयोग करें, नहीं तो हमारे जो ये नादान बच्चे सामने खड़े हैं, हम पापी होंगे, हम इनका भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये कहना है कि हमारा हम क्या करें, ये भी हम पाप के भागीदार होंगे, क्योंकि हमें करना पड़ेगा। सिर्फ परमात्मा ने हमें इस धरती पे इसलिए नहीं भेजा है कि हम अपना गुजारा करें, अपने बच्चों का गुजारा करें। विशेषकर पदाधिकारियों से मेरा ये निवेदन है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।